हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप एक एयरटेल का सिम कार्ड यूज करते हैं तो आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों अगर आपके भी एयरटेल के सिम कार्ड में काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक लेटेस्ट टिपिन की सेटिंग बताया हूँ, जिसका यूज करने के बाद आप अपने इंटरनेट की स्पीड को 4 गुना ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों मैं एक बार स्पीड टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि मुझे डिफॉल्ट टिपिन से कितना रही है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं स्पीड टेस्ट एप्लीकेशन ओपन करता हूँ एंड यहाँ पे गो के बटन पर क्लिक करूँगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो मेरी डिफॉल्ट टिपिन से स्पीड आ रही है 2 से 3 MBPS तक की दोस्तों स्पीड आ रही है। तो आपको स्पीड को कैसे इंक्रीज करना है आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताया हूँ, तो वीडियो को जरा भी स्किप मत करिएगा। और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए। तो उसके लिए आपको सबसे पहले सेटिंग्स में चले जाना होगा। दोस्तों सेटिंग्स में जाने के बाद वहाँ पर आपको सिम कार्ड एंड मोबाइल डेटा का जो ऑप्शन दिखता है वहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद से आपका सिम कार्ड जो भी स्लॉट में होगा उसको सिलेक्ट कर लेना है। देन नीचे आएंगे तो आपको एक एक्सेस पॉइंट नेम का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे जो भी आपने डिफॉल्ट APN सेट किया होगा यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर दोस्तों प्लस वाले बटन पर क्लिक करना है एक न्यू APN को क्रिएट करने के लिए। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का फॉर्म भरने के लिए एक पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से आपको वीडियो को एकदम ध्यान से देखना है, वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप थोड़ी सी भी गलती कर देंगे तो आपके फ़ोन में इंटरनेट स्पीड इंक्रीज नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों आपको टाइप करना है एयरटेल, देन आपको यहाँ पर लिखना है S, देन आप लिखना है आपको स्मॉल लेटर में B, देन आपको लिखना है /08। दोस्तों आपको सेम टू सेम टाइप करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको एयरटेल लिख लेना है, एयरटेल स्पेस SB/08, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आपको आ जाना है APN में। APN में दोस्तों आपको यहाँ पे टाइप करना है boost. यहाँ पे आपको लिखना है इंटरनेट। दोस्तों आपको ध्यान देना है इंटरनेट का I कैपिटल लेटर में होना चाहिए, देन आपको स्पेस लगाना है एंड यहाँ पे आपको 4G लिख लेना है। उसके बाद से नीचे आ जाना है, प्रॉक्सी को नोट से छोड़ देना है, पोर्ट में आपको टाइप कर लेना है 8080। उसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पर आपको यूजर नेम का एक ऑप्शन दिखेगा, तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपने सिम का नाम लिखना है एयरटेल, देन यहाँ पर दोस्तों आपको इंडिया लिख लेना है। उसके बाद से नीचे आएंगे पासवर्ड को नोट सेट, सर्वर में आपको टाइप करना है www.airtel.in। उसके बाद से नीचे आएंगे तो MMSC को नोट सेट, MMS प्रॉक्सी को भी नोट सेट, MMS पोर्ट को भी नोट सेट। दोस्तों MCC एंड MNC आपके फ़ोन में ऑलरेडी सेट होगा तो वही रहने दे। ऑथेंटिकेशन टाइप में यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है PAP और CHAP। देन उसके बाद से नीचे आएंगे तो आपको एक APN टाइप का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको लिख लेना है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पे डिफॉल्ट लिखना है, उसके बाद से आपको कॉमा लगाना है, यहाँ पे आपको लिखना है SUPL, देन कॉमा लगा के आपको नेट लिख लेना है। उसके बाद से आएंगे तो यहाँ पर आपको APN प्रोटोकॉल के ऑप्शन को IPv4/IPv6 को सिलेक्ट करना है। APN रोमिंग प्रोटोकॉल में भी आपको IPv4/IPv6 को सिलेक्ट करना है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट BRR है, तो BRR में दोस्तों अगर आप आपका अनस्पेसिफाइड है तो उसे अनटिक करके यहाँ से आपको LTE, HSPAP, HSPA, HSUPA, HSDPA, देन नीचे आना है आपको GPRS और नीचे आना है यहाँ पर आपको 1XRTT का एंड यहाँ पे आपको IS95B वाले BRR को सिलेक्ट करना है। देन बैक आना है, बैक आने के बाद MVNO टाइप को आपको नॉन पर सिलेक्ट करना है और यहाँ से इस APN को सेव कर लेना है। दोस्तों APN सेव करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, तो इस पर एक बार आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपके फ़ोन में ये वाला APN सेटिंग एक्टिवेट हो जाएगा। तो फोन में APN सेटिंग एक्टिवेट करने के बाद एक बार आपके फ़ोन को रिस्टार्ट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों एक बार मैं आपको फिर से स्पीड टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि फिलहाल मुझे ये वाले APN सेटिंग से कितनी स्पीड आ रही है। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ स्पीड टेस्ट का एप्लीकेशन ओपन करें। तो दोस्तों यहाँ पर मैं गो के बटन पर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पर पिंग देख सकते हो दोस्तों, 2 MS का पिंग आ चुका है एंड यहाँ पर आप डाउनलोड स्पीड देख सकते हो दोस्तों, 26, 27, 28 MBPS तक की दोस्तों डाउनलोड स्पीड आ चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 40 MBPS तक की दोस्तों डाउनलोड स्पीड आ चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ आपके भी फ़ोन में काफ़ी अच्छी इंटरनेट स्पीड आ जाएगी। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।